देखा जी ये तीन लोग कौन है जी, दिखाओ सबीन। सबीन कहती है हमारे मेहमान थे जबरदस्त, जल्दी से पहले उनको दिखाया जाए, पहले उनको दिखाया जाए जल्दी जल्दी। और आज आज दो की जगह तीन दिन लोग हैं, आज बहुत महफिल लगी हुई है, क्योंकि शुरू से हम बात कर रहे थे, आज गोहर ने स्टार्ट कर दिया था ना आसमानों की खला की बातें, तो हमने सोचा कि छू लो आसमां की टीम को आज हम राइजिंग पाकिस्तान में बुलाएं और पूछें कि 2022 में अब जो मूवीज का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, तो ये फिल्म किसके ऊपर है, इसकी क्या स्टोरी है। एब्सोल्युटली हमारे साथ मौजूद है उस्मान राज जो कि इसके लीड हीरो हैं और इसके डायरेक्टर खावर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो तो देखो कौन बैठा हुआ है खामोशी से, ऐसे मासूमियत से अंजुम भाई बैठे हैं, अंजुम हबीबी जो कि इसमें एक बहुत ही सुना दिलचस्प और मुनफरिद वॉइस टोन के साथ किरदार कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम भाई आपसे शुरू करते हैं, क्या सीन है छू लो आसमान का? बस हम छू ले आसमान वाले होंगे, हम आसमान छूने वाले हैं। अच्छा, छू ले आसमान? हाँ, छू ले आसमान। और राज भाई क्योंकि हमें लीड कर रहे हैं, बेटा बना हुआ मेरा, और यहाँ मैं इसे डांट नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह हम सब लोग आसमान छूने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मलिक साहब जरा थोड़ा सा बताएं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये जो 2005 का जलजला था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फिल्म बनी। जी एग्जैक्टली जी, इस तरह है कि इसका आइडिया जिस तरीके से इंसेप्ट हुआ वो तो अलग दास्तान है पूरी, लेकिन ये है कि हमारा जो मकसद है, जो यहाँ हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, उसका ये मकसद था कि ये दो एस्पेक्ट से हम इस फिल्म को शूट करें, जिसमें एक तो जज़्ला जिसका आपने जिक्र किया, और एक एंटरप्रेन्योरशिप के हमारी जो यूथ है उसको नौकरी करने का बहुत शौक है कि यार हमें किसी तरीके से मुलाजमत मिल जाए। तो असल में ये इसको टारगेट किया गया है कि एक मुलाजम या एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो सिर्फ एक खानदान को पाल सकता है, जबकि एक एंटरप्रेन्योर पूरे मुल्क को पालता है। तो ये आइडिया है जिसको बताने की कोशिश की गई है इस फिल्म के अंदर कि किस तरीके से हम इसको, तो अब आखिर देखेंगे आप तो आपको खुद पता लग जाएगा। मैं तो सबसे ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ सबीन उस्मान को देखने के लिए, क्योंकि ये थिएटर में तो बड़ा जबरदस्त रंग जमाता है अजोका थिएटर, उसके अलावा मतलब पंजाबी कैरेक्टर हो, उर्दू का कैरेक्टर, कोई फेक अंग्रेजी वाला कोई कहानी इसने करनी हो, माशाल्लाह ही सो टैलेंटेड कि एक ही वक्त में ही कैन स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, ये मुझे उस्मान की बात बहुत पसंद है। फिल्म में क्या कर रहे हो? इधर बैठा हूँ मैं, इधर देखो, इधर 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 मैं दिखाऊंगा ही नहीं कि मैं किधर देख रहा हूँ। अब इन एनको की वजह से ना ये जो चश्मे लगा रखे हैं इन्होंने, अब हमें बड़ी हमें बड़ा मसला है। देखिए देखिए, हमारे मुल्क में पानी कम हो रहा है तो हमने चश्मे इसलिए लगाए हैं कि लोग सैराब होते रहे। चश्मे लगाना जरूरी है। क्या सीन है जी फिल्म का उस्मान? फिल्म का सीन ये है जी कि फिल्म सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है, फिर दोस्तों का, फिर वालिदैन का, फिर आप जैसे जो करीबी अजीज व अकारिब हैं उन सब का, और अब्बा जी का तो शुक्रिया बनता है, डायरेक्टर साहब का शुक्रिया कि इन्होंने इतने जम्मे गफीर में से मुझे ढूंढ लिया, तो ये क्रेडिट गोज टू हिम। और फिल्म में काम करने का इतना मज़ा आया है, आप बिलीव कीजिए कि ये मेरी पहली ही फिल्म है और मैंने पहली ही फिल्म में एक्टिंग नहीं की, मुझे बड़ा अफसोस है। अच्छा, एक्टिंग का मौका नहीं मिला? कि मुझे एक्टिंग का मौका नहीं मिला। किस तरह का कैरेक्टर है ये? करेक्टर ऐसा ही है, ये ऐसा किरदार है जिसकी सबको तलब होनी चाहिए। ओके okay. अच्छा मलिक साहब, बहुत बड़ा रिजारा को आपने लीड पे लिया है और उस्मान को लीड पे लिया है, दोनों का डेब्यू है, तो ये क्या आपके ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है कि नए फेसेस जो हैं वो हिट हो जाएं, या चैलेंज नहीं है? दोनों सूरतें निकल सकती हैं कि आप, क्योंकि जो फिल्म मेकर है ना वो इस तरीके से नहीं सोचता, वो असल में क्योंकि फिल्म मेकर बिजनेसमैन भी होता है, मैं तो एज ए डायरेक्टर हूँ, लेकिन जो फिल्म मेकर से मुराद ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको और तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से हमने फिल्म को बिजनेस लेके आना है फिल्म के लिए। तो अब दोनों सूरत हाल हैं, लेकिन मेरा जो अपनी राय है वो ये है कि आप टैलेंटेड बंदों को जो जो यानी उस काम के लिए बने हैं उनको आप मौका दें, बजाय इसके कि आप किसी मशहूर फेस को ले लें, वो मतलब फिल्म बेचने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अगर आप उस कंटेंट दिखाने के लिए, हाँ कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुश्किल हुई टैलेंट ढूंढने में? अमूमन कहा जाता है टैलेंट ढूंढना उस करेक्टर के लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, हमें काफी तगुदो करनी पड़ी इस सिलसिले में, और मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ा। हम अक्सर अल्हमरा वगैरह और इस जगह पर जाया करते थे ऑडिशन के लिए, तो मेरे पास एक पेपर होता था, मैं अमूमन क्या करता, एक डायलॉग है उस फिल्म का आखिर में एक डायलॉग, तो वो मैं जाके तो मुख्तलिफ जो ऑडिशन जिनसे मैं ले रहा था उनको मैं दिखाता था कि यार ये आप बोले, तो अब उम्र ये होता है कि जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो मुझे पता लग यार इसका स्ट्रेस और इसका पॉज ये ठीक नहीं है। अच्छा, उसे एक जुमले से पता लग, एक जुमले से पता लग गया था। आपको मैं कुछ जुमला आप किसी को देता आपको पता लग जाएगा यार ये जुमला असल में कहना क्या चाह रहा है। आप उसका एक स्ट्रेस लेंगे किसी जगह पर, स्ट्रेस देंगे वहां से पता लग जाता है यार ये कितना है।
तो ये बड़ा मज़े का वाक़ है कि ये जब आए तो मतलब बड़ा लंबा वाक़ मैं ज़रा उसको मुख्तसर कर देता हूँ। तो इनको मैंने वो पेपर दिया, मैंने कहा ये आप ज़रा देखें ज़रा इसको। तो ये एक इनके चेहरे पर ना एक अजीब सी वो एक संजीदगी सी थी और ये मेरे मुझे घूरे जा रहे हैं, मुझे समझ आ रही यार ये मुझे क्यों घूर रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। चश्मा नहीं पहना था, उसको चश्मा नहीं पहना। मैंने कहा ये आपने ये जुमला बोलना है। इसने खामोशी से लिया और पढ़ता रहा उसको, वैसे नॉर्मल जो है बाकी वो कहते थे अच्छा इसको यूँ पढ़ना है इसको यूँ पढ़ना है, इसने मुझसे नहीं पूछा क्या पढ़ना। बाद में मैंने इससे जब पूछा वो हुआ ये कि जिस वक्त इसने जुमला पढ़ा तो एक उसने सिर्फ मुझे वो पेपर मुझे वापस कर दिया, इन्होंने कहा ये पेपर आप ले लें अब सुने मुझसे, और फिर उसने जो थ्रो किया जुमला नहीं होता क्या, मैं इसका चेहरा देखना शुरू हो गया। अच्छा थिएटर के एक्टर की जो थ्रो होती है फिर वो तो पहले ही दिन पहले ही शूट वाले दिन मैंने खाबरो भाई से कहा कि आपने आदमी परफेक्ट चूज किया है, हालांकि मैंने जानता नहीं था, पहली बार कभी मुलाकात लो भाई और ये बिल्कुल सेम उस कैरेक्टर के लिए बने हैं जो छूले आसमान में ये कर रहे हैं। अच्छा जी अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ ज़ारा की बात भी करेंगे और उस्मान से और सबसे बात करेंगे कि इसके जो गाने हैं वो मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे है ना। अभी जब ट्रेलर चल रहा था उसके अंदर भी आपने फील किया होगा, तो इसके कुछ म्यूजिक पे बात करेंगे, इसलिए कि है ना ये इंडिया पाकिस्तान की फिल्में और म्यूजिक अच्छा ना हो तो बड़े सॉन्ग हिट ना हो ऐसा नहीं सकता। तो सारे कहते नहीं फिल्म तो बड़ी अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा नहीं था, तो हमारी ना हमारी डिमांड होती है कि म्यूजिक हिट हो, गाने को नहीं पाए। तो इस हवाले से अंजू भाई बात करेंगे। अंजू भाई आपका खुद थिएटर का इतना एक्सपीरियंस है, टेलीविजन का, रेडियो का, और फिल्म में आपने जब जब भी जहां जहां भी काम किया है, क्या इसका कोई मजेदार कुछ ऐसी कोई हमें चीज बताएं कि आप समझते हैं कि अभी तक मैंने जितना काम जिंदगी में किया छूले आसमान की ये चीज मुझे मुनफरिद नजर आई, जरा बेचे फिल्म को। जी जी फिल्म जो है ना फिल्म ये वाली फिल्म जो एक अछूती फिल्म है, ऐसी फिल्म इससे पहले पाकिस्तान में बनी नहीं है। नहीं ना कहो सही दसो और नहीं बिल्कुल सही, इसमें हर कैरेक्टर ओरिजिनल काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है खाबर साहब है इतने कूल माइंडेड है कि उन्होंने बड़े आराम से फिल्म रिकॉर्ड कर दी है। अच्छा। बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह इनका जो एटीट्यूड होता था सेट पे वो आर्टिस्ट को मजीद बूस्ट करता था, वो अपने मर्जी से डायलॉग और अच्छे डायलॉग बोलता था। म्यूजिक म्यूजिक का जरा सीन बताओ उस्मान के, मतलब ये गाने वाने जो है बड़े जबरदस्त थे। मन रसिया मन रसिया मन रसिया मन रसिया मन विच तू बसिया वे तू बसिया, ज़ीशान ज़ैनी जिसने ये गाने गाए पाकिस्तान आइडल तक वो बच्चा पहुंचा अच्छा था बिल्कुल, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वहाँ नहीं रहा क्योंकि उसने यहाँ आना था, उसका यहाँ लिखा था। तो रिजेक्शन का मतलब होता है कि आप कहीं और सिलेक्ट हो रहे हैं, सो प्लीज डोंट माइंड, बिल्कुल सही, आपको इससे बेहतरीन मिलने वाला है, बेहतर पे आप रह गए थे भाई। तो उस बच्चे ने इतनी मेहनत, मैं उसको बच्चा कहता हूँ तो उसको मैं जानबूझ के कहता हूँ ही इज़ माई ब्रदर, सो उस बंदे ने इतनी मेहनत की है, आपको उसका काम नज़र आ रहा है। मेरी जो सारी बातें हैं वो सिर्फ इस हवाले से हैं कि हमें जिंदा लोगों को जिंदा रहते हुए उनकी जिंदगी में क्रेडिट्स देने चाहिए। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे पहली बात आपने कि हमने आपने टैलेंट देखा हर चीज़ में, तो यहाँ भी कोई बहुत फेमस सिंगर नहीं है कि हम कहें कि सर जो बहुत फेमस नहीं होता ना उसने एक दिन फेमस होना होता है। एग्जैक्टली और जो उस दिन उसको मान ले कि तुमने एक दिन फेमस होना है उसका नाम होता है खावर मलिक। अच्छा जारा ने भी आ जाना था, उनको सुना कोरोना वरोना हो गया। हाँ उनको कोरोना हो गया, बहुत अच्छा किया उनको नहीं लेके आया, वो बिल्कुल ही मतलब उनको हम वेलकम ना करते। नहीं वो आना चाह रही थी और उन्होंने स्पेशल मुझे फ़ोन भी किया तो उनकी जगह फिर मैं इसीलिए आया कि मैंने कहा चलें उनका वो हम कर दें, और एज एन डायरेक्टर भी मैं इसके बारे में बता दूँ। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ म्यूज़िक के हवाले से, इसका बैकग्राउंड स्कोर जो इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो शहरी खान ने किया, और बहुत प्यारा स्कोर किया, यानी खूबसूरत स्कोर किया। आप उसको वो सुनेंगे जिस वक्त फिल्म के अंदर तो आपको लगेगा कि जैसे हर सीन के मुताबिक उसने उस स्कोर को डिजाइन किया है। ओके ओके अच्छा सलमान का भी बड़ा मजेदार काम मुझे लग रहा था, वो ट्रेलर शुरू ही सलमान के सीन से होता है ना। सलमान ने बहुत आला काम किया है, मुबशर मलिक साहब ने बहुत आला काम किया है, सदामुल हक ने बहुत जबरदस्त काम किया है, अंजुम हबीबी साहब ने तो काम किया ही किया है, इन्होंने तो पहले दिन आके जब कहा ना ओए कैसे खेल रहा है ये वो सीन था तो मजा आ गया, सब में एनर्जी आ गई। और हमने पहले दिन जो इसका आगाज था आप बिलीव कीजिए तौसीक भाई वो हमने तिलावत से किया था, क्योंकि हमने इसको फिल्म नहीं बनाया, ये मकसद तख्लीक हयात है, ये हमारे लिए हमारा मकसद है कि छू ले आसमान। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि यार ये ना करो वो ना करो, हम तो साफ साफ अल्लाह भी कहता है कि आओ
मेहनत करो, एक्सप्लोर करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से, सबको ये शेर आता है लेकिन क्या किसी को खुद ही का मतलब आता है? यानी ड्रीम्स देखें, ख्वाब देखें और उनको उनको हासिल करें, उनको अचीव करें, ये मोटिवेशन जो है वो इस फिल्म के अंदर। कब रिलीज हो रही है जी, और कैसे और कब, कहाँ, क्या सीन है इसका? ये 25 फरवरी को, इस कमिंग जो 25 फरवरी उसको रिलीज हो रही है, जुमे वाले दिन। अरे वाह, ये तो बहुत और अक्रॉस पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब इस वक्त आप तीनों ही इस पर इजहार ख्याल कर सकते हैं, लेकिन कोविड के बाद सब प्रोड्यूसर्स जो है ना एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा कौन बारिश का पहला कतरा बनेगा। उस दिन साकिब मलिक भी आए हुए थे, उनसे भी बात हो रही थी कि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कि फिल्म कब रिलीज की जाए। तो ये बहुत बड़ा, मैं रिस्क तो नहीं कहूँगा, डीमोटिवेट नहीं कहूँगा, लेकिन वाकई एक बड़ा रिस्क है कि इस स्टेज के ऊपर फिल्म रिलीज करना, जबकि अभी सिनेमा जाने का रिवाज जो दोबारा से पनप नहीं रहा, तो इसको आप एक चैलेंज समझते हैं? सर, उसके लिए एक शेर है चैलेंज के हवाले से कि तशकीक है न जंग है माँ बैन अक्ल दिल, बस ये यकीन है कि खुदा है ये इश्क है। बिल्कुल, बस ये यकीन है कि खुदा है ये इश्क है। बिल्कुल ठीक। क्या कयामत है कि हमसे एक कदम उठता नहीं और जितने मरहले बाकी हैं आसानी के। वाह, तो हमने पहला स्टेप लेके बताया है यार, क्या होगा, मैक्सिमम फ्लॉप हो जाएगी, लोग नहीं देखेंगे, क्या फिर क्या हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम अगली फिल्म बनाना छोड़ देंगे? हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो भाई साहब आके नहीं कहेंगे कि आइए चलिए। ये अपनी अगली फिल्म पक्की कर रहा है आपके साथ। आपने देखा बड़े बहाने से इसने सिर्फ एक अगली फिल्म का अदबी अंदाज में, अभी भी आपने सिर्फ एक, मुझे मायूसी किया आपने। मैंने इस डायरेक्टर को अल्लाह ताला से मांग लिया है, मैंने उनसे कहा है खान साहब जब जब सिंक हो जाए इंसान तो जिंदगी आसान हो जाती है, सारा दिन किसी के साथ बहस करके भी आप कुछ नहीं सीखते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई ऐसा ही। अगली फिल्म भी इसके साथ मतलब हम ऐसे सिंक हुए थे ऐसे। मैं 33 साल, ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था, सर मुझे नहीं जानते थे, अल्लाह ताला की जात ने ऐसे मिला दिया जैसे सुर से सुर मिलता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। बहुत ही पक्का कर रहे हैं अगला कैरेक्टर, आप भी कुछ बताएं। अच्छा, इसमें मैं अंजुम हबीबी साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी बात आपको याद आ गया, मुझे एक वाकया याद आ गया कि इनका आखिरी सीन था, तो उसमें यह था कि, यानी उस दिन का आखिरी सीन था, उसमें यह था कि एक ही शॉट में ना वो पूरा सीन कंप्लीट करना था, और वो इतना लंबा सीन था, यानी एक सिंगल टेक में वो करना था। तो इनसे मैंने कहा कि मैं इसको सिंगल टेक में करना चाहता हूँ। कहते हैं बिस्मिल्लाह करें आप। मैंने कहा देख लें, ये मतलब काफ़ी लंबा सीन है, ये तो बीच में गड़बड़ ना हो जाए। कहते हैं, मैंने कहा इसमें सिर्फ एक शर्त है, ये एनर्जी जो है ना आपकी ऊपर से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और ऊपर आप, ये एनर्जी चाहिए इसके लिए। उन्होंने कहा आप बिस्मिल्लाह करें, बस वो किया तो, और मैं हैरान रह गया कि जुमला इन्होंने बोला और एनर्जी जिस तरीके से इन्होंने बरकरार रखी है, आखिरी आखिरी जो जुमला है उस तक, तो मैं चाहता हूँ कि क्लैप इनके लिए इस मामले में। उस्मान, आपका कैरेक्टर अभी जो हम ट्रेलर से देख रहे थे वो काफ़ी सीरियस सा नज़र आ रहा है, और इससे पहले बहुत कम सीरियस कैरेक्टर्स हमने आपके देखे। कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है, कोई मुश्किल पेश आई इस कैरेक्टर को करने में इसका? और आपने सबसे पहले जो बात की ना, आपने कहा कि इसमें मैंने एक्टिंग नहीं की, तो इसका मतलब पर्सनैलिटी यही है, सीरियस ही है, ऐसे लग नहीं रहा। या ये है या वो है, एक चुन लो। Exactly. अगर ये है तो वो एक्टिंग थी, और अगर वो है तो ये एक्टिंग है। बात ये है कि उसने कहा है के दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मोम या सरासर संग हो जा। तो दो रंगी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन झूठ, हम वो झूठ है ना, एक्टिंग झूठ है। तो मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह इस झूठ में इतनी बरकत डाल दे कि ये इतना सच लगे कि झूठ ही ना लगे। अच्छा, भी एक फरमाइश है आखिर में, वो कह रहे हैं एक दफा ऐनक उतार के हमें उस्मान को दिखा। मेरी आंखें ना देखो प्लीज, क्योंकि उसने कहा था तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। ये जी उस्मान, वेरी गुड। अब बेशक, अरे इतनी अच्छी तुम्हारी आंखें, इतनी एक्सप्रेसिव आंखें, और है ना वो देखो जी कंट्रोल रूम से राशिद कह रहा है जबरदस्त लग रहा है। हमारी हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, कभी शोला कभी शबनम कभी तूफान है आंखें, आंखें ना झुके तेरी कभी गैर के आगे, दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है। हो गया क्या बात है सर, अगली फिल्म अदब से रिलेटेड तो नहीं है? अदब भी से रिलेटेड। चल तुझे एक और शेर आंखों पे सुना दूं, उसको भी अपनी उसमें बक्से में डाल ले, कहीं ना कहीं काम आएगा। ढूंढता फिरता था हर चेहरे पे अपनी आंखें, हाँ ढूंढता फिरता था हर चेहरे पे अपनी आंखें,
मेरी आंखों ने पता उसको बताया उसका। मेरे पहलू में जो पहलू कभी आया उसका, दफन फिर हो गया इस जिस्म में साया उसका। और ये शेर ले सुनाया उसका। ये अंजुम बीबी के और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं इरफान अहमद उर्फी, उनकी गजल के दो अशआर मुझे ज़हन में आए। अच्छा जी, अब सेशन को कंक्लूड भी हमें करना है। थोड़ा सा ये बताइए खावर साहब के जो हमारे यहाँ बहुत डिबेट होती है कि जी फिल्म का दौरानिया क्या हो। अब हॉलीवुड की फिल्मों और दूसरे इंटरनेशनल सिनेमा ने दौरानिए को कम करने का रिवाज रखा है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया में जो फिल्म बनती है उसका दौरानी है, इसका ड्यूरेशन कितना है और आपके ख्याल में कितना अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन होना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि जब हमने इसका आगाज़ किया तो इसका तकरीबन 3 घंटे ड्यूरेशन बन रहा था। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी और जो जिसको प्रोडक्शन हेड हैं हसीब अजमल साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा काम किया, इसको पूरे को प्रोजेक्ट को ले कर चले हैं वो। उन्होंने मुझे ये कहा कि यार कोशिश करो कि इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटा 45 और 2 घंटे के अंदर अंदर रहे। उसकी वजह ये होती है कि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, वो इतनी ज़्यादा देख नहीं सकते। जब तक बड़ा कम हो गया, जब तक कि फिल्म के अंदर बहुत ऐसी चीज़ ना हो कि ग्रैब कर ले लोगों को। तो हमारा तो चूंकि कंटेंट बेस्ड था, हम उसको कंटेंट वाइज हम उस ग्रैब करना चाह रहे हैं लोगों को। तो फिर मैंने उनके मशवरे के मुताबिक और फिर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे वो उस्मान शेख साहब हैं, राहिल इकबाल और मोहम्मद अजीम साहब, वो भी हमारे साथ चूंकि वो रहते थे, उन्होंने भी हमें यही मशवरा दिया कि यार इसका ड्यूरेशन आप 2 घंटे तक ले आए, उससे ज़्यादा है। फिर हमने कुछ इसमें जो हमने सीन लिए हुए थे वो हमने थोड़े से निकाल दिए, उसको हमने फिर एक्सटेंडेड वर्जन के लिए रख लिया कि जब हम उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन निकालेंगे उसके अंदर फिर वो डाल देंगे। तो अभी ये इस वक्त 2 घंटे की फिल्म है। इंटरवल है जी, बिल्कुल है। तो पॉपकॉर्न्स खाने मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल खाने हैं। बाकी लोग आपको हम बल्कि दावत भी देते हैं कि आप प्रीमियर पे 24 तारीख को प्रीमियर है इसका, तौसीफ भाई, और आपने आना है, आपको लाजमी आना है। आप तौसीफ हैं, हम आपको तौसीफ शेख से मिलवाएंगे जिन्होंने इस फिल्म का सराउंड साउंड दिया है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाले तौसीफ शेख हैं। इस फिल्म में आपको वो भी मिलेगा। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया जी। थैंक यू वेरी मच सबीन। मैं तो कहता हूँ आज डॉक्टर ताहिरा ने मोटिवेट कराया स्क्रीनिंग के लिए, और मैं तो अब छूले आसमान को देखने के लिए मोटिवेट हो गया। सिर्फ दो नाम इसमें लेना जरूर चाहूंगा जिन्होंने हमारे साथ शूटिंग में हिस्सा लिया। एक तो लेजेंड फनकारा हमारी रहीला आगा साहब हैं, और जो मेरे साथ काम कर रही हैं या मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और एक खालिद मीन भट्ट साहब हैं जो सीनियर लोग हैं वो हमारे साथ। और रहीला आपा ने ये फिल्म मेरे लिए की है, ये क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि मैं उनको दस्त बस्ता गुजारिश करके लाया था कि मुझे ऐसी माँ चाहिए, ना वो डायलॉग बोले ना मैं बोलूं, बस स्क्रीन पे आए तो लगे इससे बेहतर बेटा और इससे बेहतर माँ नहीं हो सकती, सर गवाह हैं इस बात। अच्छा, आपका जो इस फिल्म का मार्केटिंग हेड है उसको तो फौरन आप फारिग कर दें, ये आप इसको रख लें। एग्जैक्टली, हमारी पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तानी सिनेमा के लिए बहुत दुआएं हैं। हमारा राइजिंग पाकिस्तान में एक पूरा सेगमेंट होता है जो फैसल मूवी वाला और हारून श्वेब करते हैं, और जब भी कोई नई फिल्म आए और 2022 की जितनी फिल्में हैं तमाम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को हमारा सलाम भी है और गुड लक भी है, एंड सो वेरी हैप्पी कि वो ख्वाब सबीन जो अक्सर हम देखते थे 2020 में 21 में कोविड टाइम्स में कि कब सिनेमा की रौनकें बहाल होंगी, वो अब होने जा रही हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट।